देशर प्रथम नेशनल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान करिछन्ति प्रधानमंत्री। 20टी वर्गरे 23 जनकु पुरस्कृत करा जाउछि। मोदींकर अभिभाषण नुआ दिल्ली भारत मंडपमरु स्वतंत्र कार्यक्रम रे देखन्तु। उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई वोटिंग पैटर्न घटती गई। दुनिया में देश समृद्ध हुए लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18 19 20 21 साल के देश साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं स्पेशली एबल्ड होते हैं उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है भारत का इन्फ्लुएंस, भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया है। इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो और वो कंप्यूटर इंजीनियर था, तो उस सरकार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, 3-4 दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा, साहब आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? नहीं साहब, को आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त, 3-4 दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं 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 रहने दो साहब, नहीं पूछता हूं। नहीं, मैंने कहा पूछो यार। उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने कहा देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं,
साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।